इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। अमेरिका में कांग्रेस नेता के भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयान को लेकर जयशंकर ने राहुल को घेरा है। उन्होंने कहा कि वो जब भी बाहर जाते हैं तो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया हमें देख रही है, इस देश में चुनाव होते हैं, एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है, अगर लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा कैसे होता। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले जयशंकर। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। पर जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है, दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना, हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा हमें पता है, हाँ। पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते, और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितने भी आप बीच में, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी, हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी।